अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। आज हम बहुत पॉपुलर सी डिश बना रहे हैं, वो है मुर्ग छोले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने प्री हीटेड पैन में ऑयल डालेंगे, जो कि आधा कप है, ये चला गया। अब इसमें आधा कप तली हुई प्याज डाल देते हैं। चले, अब इसको हम एक मिनट के लिए सॉटे कर लेते हैं। देखिए, फ्राई की हुई प्याज को फ्राई करने में कितना मज़ा आता है। चले, अब हम इसमें कुछ चीज़ें और डाल देते हैं। देखिए, हमारे पास 2 टीस्पून लहसुन है, ये चला गया। सिर्फ एक ही मिनट हम इसको भूनेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं। अच्छा, चूल्हा हमारा मीडियम पर ही है। चले, अब 1 मिनट हो गया। अब हम कुछ और मसाले डालते हैं, जो कि कुछ यूं है कि 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसे हुए कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून सूंठ, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून मैंगो पाउडर, खटाई या अमचूर, और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और 1 टेबलस्पून मेरा चिकन पाउडर, नोर की क्यूब या मैगी की 1 क्यूब, ये चला गया। चले, अब हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं। चले, 1 मिनट हो गई हमारे मसाले को भूनते हुए। अब हम अपना इसमें चिकन डाल देते हैं। चले, ये हम अपनी 2 पाउंड होल चिकन विद द बोन डाल देते हैं। मुर्ग छोले में बोन के साथ चिकन बनाने से मज़ा ही कुछ और है। हम अपना इस पॉइंट पर चूल्हा मीडियम हाई कर देते हैं। अब हम इसको मसाले को चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जब भी हम अपना मीट डालेंगे तो हम टेम्परेचर को हाई कर देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है गोश्त जाएगा, मसाला जो है वो गरम गरम था, गोश्त जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर या ठंडा होगा तो एकदम से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, इसलिए हमने मीडियम हाई कर दिया। अब हम कुछ देर तक इसको मीडियम हाई पर ही भूनेंगे। देखिए, हमारे चिकन को मसाले के साथ भूनते हुए 5-6 मिनट हो गई है। देखिए कैसा हमारा ब्राउन ब्राउन सब मसाला लग रहा है चिकन पे, और कलर देखा हमारा कैसा चेंज हो गया है ये। चले, अब इस पॉइंट पर हम अपना दही डालते हैं। देखिए, दही हमने लिया था 1/2 कप, ये सारा चला गया। और अब हम इसको थोड़ा सा दही को एक जगह पर थोड़ा सा यूं करके हिला देंगे ताकि सब चीज़ें मिला देने में आसानी रहे। ये देखें, जब हम एक जगह पर दही थोड़ा सा मिला लेते हैं तो वो बड़ा स्मूथ सी कंसिस्टेंसी हो जाती है, और फिर जब मिलने में इजी होता है। देखें कितना इजी सा है, और मज़ेदार सा मुर्ग छोले बनेगा, तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे। आप भी आ जाइएगा। देखें, हमारी चिकन को दही के साथ भूनते हुए भी 4-5 मिनट हो गई, और हमने एक दफ़ा भी पानी नहीं डाला था, और अब हमारा इतना खुश रंग हो गया है और तेल भी ऊपर आ गया है। अब इस पॉइंट पर हम अपना टोमेटो प्यूरी डालेंगे। देखें, ये 1/2 कप है क्रश किए हुए टोमेटोज, आप चाहें तो रेडीमेड डाल दें, चाहें तो आप क्रश कर लें। 1-2 टोमेटोज लेके 1/2 कप है हमारा, ये चला गया। देखें, हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। देखें, हमें टमाटर को डाले हुए, प्यूरी को डाले हुए भी 2 मिनट हो गए हैं, और जो हमारी तरी रूट कर मैके चली गई थी वो अब दोबारा आ गई है। तो आप देख सकते हैं तरी आ गई है हमारी। चलें, अब हम अपने बॉइल्ड छोले डाल देते हैं। देखिए, छोले हमारे ऑलमोस्ट 2 कप है बॉइल्ड किए हुए, तो ये हम डाल देते हैं।
देखिए छोले डालते के साथ ही हमारी तरी आ गई है, बस तो अब हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इस पॉइंट पर हम पानी डाल देते हैं अपना पसंद के हिसाब से, जो हमें कितना शोरबा चाहिए। देखिए हमारे पास 2 कप पानी है, हम डालते हैं और आपको बताते हैं कि हमने कितना डाला। थोड़ा सा हिला के देख लेते हैं। ये देखें 2 कप हमारा पूरा पानी चला गया और अब हम इसको मीडियम लो पर कर देते हैं चूल्हे को। और अब तो ये लास्ट स्टेज है, हम इसको कवर कर देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। देखिए 7 मिनट हो गई है और इतनी खुशबुएं आ रही है। चलिए अब इस पॉइंट पर हम देख लेते हैं हमारा चिकन गल गया। इतना भूना है, ज़ाहिर है गल गया होगा ये देखें। लेकिन अगर आपको लगे तब आप 5 मिनट और दम पर छोड़ दें, मज़े का और हो जाएगा। लेकिन पॉइंट आपका यही होना चाहिए कि आपका चिकन गल जाए। चले अब इसमें हम अपना लास्ट इंग्रेडिएंट डाल देते हैं। थोड़ा सा क्रश पेपर डालेंगे, ये 1/2 टीस्पून। अगर आप ना चाहें तो ना डालें, ऑप्शनल है। और ये थोड़ा सा लेस देन 1/2 टीस्पून गरम मसाला, इससे क्या और भी मज़ेदार लगेगा, एक किक सी आ जाएगी लास्ट में। बस चले अब हम इसके साथ ही अपना चूल्हा बंद करते हैं। चले जी डिश आउट करते हैं। चले जी हमारी गार्निशिंग हो गई और अब हम ट्राई करते हैं। अब सब्र नहीं हो रहा, इतनी एक्साइटेड हूँ। बड़ा यमी सा लग रहा है, आप लोगों को छोड़ छोड़ के खा रही हूँ। ज़बरदस्त मज़ा आ गया। मेरे हस्बैंड की तो आज ईद हो गई, उनके फेवरेट है ये। चले आप लोग भी बनाएं, मज़े करें, मज़े कराएं। और मैं चल रही हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर एक नई रेसिपी के साथ लौटती हूँ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।